हिंदुस्तान का अंतिम गांव माणा इस वर्ष यात्रियों से जबरदस्त गुलजार हो रखा है। माणा में ब्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल में लगातार सुबह से शाम तक यात्रियों का तांता लगा हुआ रहता है। वहीं लोग हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान में चाय की चुस्की का आनंद भी उठा रहे हैं और स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह भी दिखाई दे रहा है। देश का अंतिम गांव माणा यात्रियों से गुलजार है। बद्रीनाथ की यात्रा जहां इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं माणा में इन दिनों इतने ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं कि यहां पर हर तरफ यात्री ही यात्री नजर आते हैं। माणा से भीमपुर तक यात्रियों का तांता लगा हुआ है। स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यहां के स्थानीय लोग इन दिनों स्थानीय उत्पाद भी बेचते हैं, जिससे हर तरफ लोगों में खुशी दिखाई दे रही है। वासियों को यात्रा काल का बहुत आवश्यकता होती है कि जैसे यात्रा चले उस तरह से हमारी रोजगार भी चले, तो आज यात्रा चरम सीमा पर है तो गांव वाले काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो हम भगवान बद्री विश्वास से दुआ करते हैं कि यात्रा इसी तरह से बढ़ता रहे और हमारी बिजनेस इसी तरह चलते रहे। उत्साह है, यात्रा अपने चरम सीमा पे है और स्थानीय जो हमारे उत्पाद है उलन उत्पाद, इसकी अच्छी बिक्री हो रही है। मैं हरिद्वार से आया हूँ। सुबह हमने प्रातः 3-4 बजे के बाद हमने वहाँ पर मंदिर में गए, उसके बाद हमने दर्शन के बाद हम यहाँ माणा गांव में आए हैं। माणा गांव में बहुत ही अच्छा हमें वातावरण लग रहा है। यहाँ के लोग छोटी छोटी दुकानों से अपना राह गुजर कर रहे हैं और वो हस्तों से अपना जो चला रहे हैं अपना, और यहाँ पर सरस्वती का आपका उद्गम है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आकर सुंदर लग रहा है। संवाद 365 के लिए चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट।